बस ये बहुत तकलीफ हो रही थी कोविड के टाइम पे, क्योंकि जहाँ हम लोग शूट कर रहे थे वहाँ कोविड के केसेस भी बहुत आते थे और आजू बाजू में सब रेसिडेंशियल था, सब लोग रहते थे, तो उनको भी डर लगता था कि शूटिंग में इतने लोग आते हैं। तो फिर हमको एक नया दुकान बनाना पड़ा और बाकी सब कुछ वही है, घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वही है, जेठालाल वही है, और बस अभी यहाँ से कॉमेडी का हंसी हंगामा ज़्यादा होगा, क्योंकि अब तक हम लोग गोडाउन से ही स्टोरी कर रहे थे कि दुकान में रिनोवेशन हो रहा है, सब कुछ ऐसे हो रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि दर्शकों को और मज़ा आएगा और सारे नए किरदार आएंगे और धूम मचेगी। देखो, आप सब जानते हैं कि नट्टू काका इस दुनिया में नहीं रहे, करेक्ट? अभी आप में से कोई अगर कोई ऐसा है कि कुछ करके उनको ऊपर से बुला सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम सब वो जानते हैं कि वो उन्होंने हमको बहुत प्यार दिया है, दर्शकों ने भी उनको बहुत प्यार दिया है, और नट्टू काका का तो कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन अभी वो हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने जो सवाल पूछा तो दूसरे नट्टू काके के लिए इंतज़ार करिए, तो जल्दी आपकी कामना पूरी होगी। आपको अभी घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने कहा ना, नट्टू काका भागा बावरी धीरे धीरे सबसे भर जाएगा। आज जब तक परमिशन नहीं देगी माय डियर बेना नहीं आएगी। तो देखो, ये जेठालाल को तो इतना लपेटता है, अभी साथ में उसने मुझे भी लपेटना चालू कर दिया है। नहीं तो भाई, मैं बोलो माँ का पूजा करने आता हूँ, आरती उतारने आता हूँ, अभी दया भाभी को भेजो जल्दी उसके लिए। मैं सबको जवाब देते हुए कंटल गया हूँ। देखो देखो, ऐसा है आशीष भाई कि आपको एक बार फिर से कामेश्वरनी पुल में आना पड़ेगा, माता जी को मिलना पड़ेगा। कामेश्वरनी पुल में भूषण भाई के बाजू में आना पड़ेगा ना, एक बार माता जी को मिलने के लिए। माँ को मिलोगे? मालूम है जेठालाल कितना परेशान है भाई, मैं समझ रहा हूँ। कुछ मालूम है, वो उधर से रोज टिफिन लेके पद्मावती भोजनालय से खाना। तू, तेरा शादी हुआ नहीं है, तू शादी कर तो मालूम पड़ेगा कि बीवी के बिना घर कैसे चला सकते है। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन क्या है, पानी में चना सूखता है उस तरह से माय डियर जीजा जी सूख रहे हैं, मुझे दिखता है। 5 किलो गेन किया है माय डियर जीजा जी ने बिना बहना के। इसको कोई असर नहीं है भाई, मैं हाथ छोड़ता हूँ, जल्दी अभी दया भाभी को लेके आ जाओ। मैं बात करता हूँ, आप चिंता मत करो, मैं समझ सकता हूँ। आप प्रेशर मत, अभी दया भी नहीं, आप सब लोग अहमदाबाद जाओ, सुंदर के घर पे जाके डेरा डालो। नहीं, आप टेंशन मत लो, आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं बात करता हूँ इन लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते, मैं सुंदर वीरा, बताइए बताइए, आप सब लोग बताइए। ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया दुकान बनाया है माय डियर जीजा जी ने, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के सब सब चीजें लाए, बहुत बढ़िया इंटीरियर करवाया है। एक चीज का मुझे दुख रह गया कि मेरे पास इंटीरियर नहीं करवाया, पर मैंने भी इंटीरियर किया होता तो इतना बढ़िया इंटीरियर मैं नहीं कर पाता। बहुत बढ़िया इंटीरियर किया है, बहुत सारी आइटम बहुत बढ़िया बढ़िया लाए, तो बहुत खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल। अब देखा मोबाइल भी बहुत अच्छे अच्छे है, वो धीरे से मैं बात करूंगा उनसे। बस मैं ये दुकान देख के मैंने आशीष भाई को यही कहा कि ये एक्चुअल दुकान लग रही है, अगर एक GST नंबर ले लो तो यहीं से धंधा कर सकते हैं। एक्चुअल में फिल्म सिटी में एक दुकान है, यहाँ जिसको TV फ्रिज वॉशिंग मशीन कुछ भी लेना खरीदना है तो यहाँ आ सकता है, यहाँ से ले सकता है। नहीं, वाकई में हमारे जो आर्ट डायरेक्टर है जयंत भाई, जयंत देशमुख जी, बहुत ही बढ़िया। हम भी जब पूरे कास्ट जब ये क्लाइमैक्स हम कर रहे थे इस कहानी का, और सब पूरी टीम जब पहली बार इस दुकान के अंदर आई तो हम भी देख के एकदम चौंक गए, मतलब खुशी के मारे चौंक गए कि इतना रियल ये लग रहा है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सेट है। आपको लग रहा है सेट है? लग रहा है ना, रियल दुकान है, क्योंकि सारे देखे प्रोडक्ट्स भी जितने हैं, TV है, फ्रिज, सारे सब असली प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हैं। और एक जो छोटी छोटी जो डिटेलिंग है कि वहाँ पे लाइसेंस रखा हुआ है, या सब देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब इतने बढ़िया तरीके से पूरा सजाया है, तो वाकई में एक अलग सी एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर आते ही हम सबको फील हुई। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अब दुकान के सीन अच्छे से होंगे। मुझे याद है लॉकडाउन के पहले 16 मार्च 2020 मेरा लास्ट डे ऑफ शूट था लॉकडाउन के पहले, और वो दुकान में था 16 मार्च 2020। उसके बाद आज इतने दो साल से भी ज़्यादा, अभी ये तो जून चल रहा है, तो अभी बस 2 दिन पहले हम लोग ये दुकान में आए शूटिंग करने, तो बहुत ही मतलब अच्छा भी फील हो रहा था और थोड़ा सा दुख भी हो रहा था, क्योंकि घनश्याम भाई नट्टू काका हमारे साथ नहीं है,
तो उनको बहुत मिस कर रहे हैं हम इस दुकान में आके, बट आई एम श्योर वो जहाँ भी होंगे हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे ये देख कर के। और बताइए अभी वो तो हाँ देखिए अभी दया आने वाली थी, फिर से उसने हमें उल्लू बना दिया, तो अभी पता नहीं ये आसिफ भाई क्या चाहते हैं। तो बस यही आशा करते हैं कि बहुत जल्दी अभी कुछ सुंदर भाई उल्लू ना बना के कुछ अच्छे दिन भी देखने को मिले। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी बावरी जी के साथ रोज़ बात होती है, और चूंकि गडा इलेक्ट्रॉनिक्स चालू हो गई है तो बावरी जी ने मुझे वादा किया है कि बहुत जल्द वो गडा इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझसे मिलने आएंगी, और बस दुकान बढ़ाकर मैं और बावरी जी बहुत घूमने जाएंगे और बहुत मज़े करने जाएंगे। वैसे सेठ जी छुट्टी देते नहीं हैं, लेकिन बावरी जी ने इस बार कहा है कि वो सेठ जी को खास मनाएंगे और मुझे हाफ डे की छुट्टी दिलवाकर घूमने ले जाएंगे। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.